अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। नमस्ते भानु भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। कल हम लोगों ने मानवीय समाज के बारे में चर्चा किया था कि एक बार अगर हमको ये स्पष्ट होता है कि सुख स्वभाव है, प्रभाव से जो हमको सुख जैसा भास रहा है वो एक तरह का आवेश है। जब ये स्पष्ट होता है तो हम सुख के लिए सही समझ, सही भाव अपने में सुनिश्चित करके एक निश्चित कंप्लीशन पॉइंट तक पहुंच पाएंगे, ये देख पाते हैं। इसमें एक निश्चितता है, ये भी देख पाते हैं। इसमें एक निरंतरता है, ये भी देख पाते हैं। और अगर मैंने ठीक से समझ कर इसको सुनिश्चित कर रखा है तो बाहर हो रहे हलचलों से मेरा सुख प्रभावित नहीं होता, इसमें निरंतरता बनी रहती है। धीरे धीरे ये बात भी अपने को स्पष्ट होती है। एक बार जब ये स्पष्ट हो जाता है तो अभी तक जो हम पर दबाव था सुविधा जुटाने का सुखी होने के लिए, या सुविधा जुटाने का दूसरों से भाव पाकर सुखी होने के लिए, ये दोनों चीजें मूल्यांकित होती हैं। और अब हम देख पाते हैं कि सुविधा की आवश्यकता शरीर के लिए तो है, लेकिन सुविधा की आवश्यकता मेरे सुखी होने के लिए नहीं है। तो मैं शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए सुविधा का ठीक-ठीक निर्धारण कर पाता। ये जो दूसरों से ध्यान पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, दूसरों को से ऊंचा दिखने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए जो सुविधाओं के को जुटाने के होड़ में मैं लगा था, क्योंकि तो मैं प्रभाव से सुखी होने का प्रयास कर रहा था, जैसे ही सही समझ के आधार पर ये स्वयं में मूल्यांकित होता है, अब मुझे मेरे और मेरे परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए सुविधा जुटाना है। समाज में उसको सदुपयोग के लिए कुछ थोड़ा बहुत सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है, वो जुटाना है। किसी का ध्यान पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, या फिर किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए सुविधा का जो दबाव था मेरे ऊपर, उससे भी मैं मुक्त होता हूँ। तो धीरे धीरे परिवार में आवश्यकता का सही निर्धारण करने का काम शुरू करता हूँ। जितनी सुविधाएं हैं उसका ठीक से आकलन करता हूँ, जो सुविधाएं हैं उसका सदुपयोग शुरू करता हूँ, और जो कम है उसका भी आकलन शुरू करता हूँ, और किस विधि से वो पूरा होगा उस पर भी अभ्यास करना शुरू करता हूँ। तो धीरे धीरे मैं परिवार में समृद्धि के लिए भी आगे बढ़ पाता हूँ। एक बार जब सही समझ के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर अपने भाव को सुनिश्चित कर पाता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति मेरे साथ सम्मान के साथ प्रस्तुत हो तो भी मैं उसका सम्मान कर पाता हूँ, नहीं प्रस्तुत हो तो भी सम्मान कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है कि वो व्यक्ति का हालत जैसा है वैसा वो व्यक्त हो रहा है। तो मैं ये निर्णय ले पाता हूँ कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो सहस्वीकृत भाव है, मेरी जो समझ है, मैं उसके आधार पर अपने व्यवहार को सुनिश्चित करूँ, या एक परेशान व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर अपने भाव विचार को सुनिश्चित करूँ। तो वहां मैं अपना निर्णय अपने सही समझ, सहस्वीकृत भाव, स्वभाव के आधार पर अपने भाव विचार को बनाए रख पाता हूँ, तो मेरे में एक निश्चितता बनी रहती है सामने वाले के अनिश्चित आचरण के बावजूद भी। तो इससे वो धीरे धीरे मेरे साथ आश्वस्त होता है और मेरे साथ विश्वास से के भाव के साथ जीने के लिए उसका ध्यान आकर्षण होता है, और मेरे और उसके में विश्वास के भाव, दोनों में ही विश्वास का भाव सुनिश्चित होता है, और परस्परता में धीरे धीरे हम दोनों आश्वस्ति के साथ जी पाते हैं। तो धीरे धीरे ये दिखता है कि जो स्वभाव से मैं सुखी होने का प्रयास किया, इससे धीरे धीरे मेरे आसपास जो लोग जी रहे हैं उनमें विश्वास का भाव बन रहा है मेरे प्रति, और जिन जिन में ये विश्वास का भाव बन रहा है वो मेरे से अब भयभीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं अनिश्चित आचरण करता हूँ उसी का भय। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ये अपने में स्वभाव से सुखी होने का काम करता हूँ, मेरे आचरण में निश्चितता आती है, तो मैं भय का कारण नहीं बनता औरों के लिए, और दूसरों का अनिश्चित व्यवहार भी से भी मैं भयभीत नहीं होता, क्योंकि मेरा सुख अब उस पर निर्भर नहीं कर रहा। तो अधिक से अधिक वो थोड़ा इरिटेट हो लेंगे, थोड़ा दो चार शब्द बोल लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन उससे मैं अपने आचरण को, अपने भाव को नहीं बदलता, वो तो मेरे सहज स्वीकृत भाव, सही समझ भाव के आधार पर निश्चित बना रहता। तो इस तरह से धीरे धीरे समाज में मेरा जहां जहां पर जीना है, जिन जिन लोगों के साथ फैलाव है, धीरे धीरे वो विश्वास अभय के तरफ भी बढ़ने लगता है। एक बार मैं दोनों काम सुनिश्चित कर पाता हूँ तो ये जो संवेदना से सुखी होने के लिए, भाव से दूसरों से भाव पाकर सुखी होने के लिए बहुत सारा जो अननेसेसरी सुविधा जुटाने का दबाव था, वो जब कम होता है
तो मैं प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का भी ठीक ठीक निर्वहन कर पाता हूँ दोनों ही दृष्टि से। एक दृष्टि तो ये कि जितनी सुविधा की आवश्यकता है प्रकृति से अब उतना ही लेता। तो पेड़ को देखें तो भले ही जंगल में मैं पेड़ जाके नहीं काट रहा हूँ, लेकिन अगर सोफा मैंने शरीर को आरामदेह पोजीशन में बिठाने के लिए खरीद रखा है, जब तक वो ठीक से काम करता रहता है मैं सोफे को नहीं चेंज कर। लेकिन वहीं पर अगर किसी से ध्यान पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए सोफा खरीदा है, तो जैसे ही 2 साल में कोई नए डिजाइन का सोफा आ जाता मैं इसको कूड़े में हटा देता हूँ, नया खरीद लाता। मेरे इतने कंफ्यूजन के वजह से भले ही मैंने खुद पेड़ नहीं काटा, लेकिन जंगल में मेरे इस नासमझी के वजह से एक पेड़ तो कट ही गया, क्योंकि नया सोफा तो किसी लकड़ी से ही बने, अगर लकड़ी वाला सोफा है। तो इस ढंग से दिखता है जैसे ही सही समझ होता है मुझ में, मैं अपनी आवश्यकताओं का ठीक ठीक निर्धारण कर पाता हूँ, तो प्रकृति के साथ भी परस्पर पूरकता का निर्वहन कर पाता हूँ। और फिर धीरे धीरे ये भी ध्यान जाता है कि अननेसेसरी इतनी सुविधा कमाने का जो मेरे पास लोड था वो भी अब धीरे धीरे दबाव कम हो रहा है, तो अब समय भी बच रहा है, वो समय मैं दूसरे मानव के सही समझ सही भाव के लिए भी लगा पाता हूँ, और शेष प्रकृति के संरक्षण के लिए भी संवर्धन के लिए भी लगा पाता हूँ। तो जो पेड़ लगे हैं उनको बचाने का काम कैसे हो उस पर काम कर पाता हूँ, नए पेड़ लगा पाता हूँ। तो एक तरह से जैसे जैसे मैं स्वभाव से सुखी होने के स्रोत के रूप में अपने भीतर पहचानता हूँ, मैं चारों ही लक्ष्यों की तरफ स्वतः ही धीरे धीरे अग्रसरित होता हूँ। और जैसे ही मेरे को ये भ्रम होता है कि प्रभाव से सुखी होऊंगा, तो प्रभाव से सुखी होने के लिए बहुत सारा सुविधा जुटाना पड़ता है, बहुत सारा उसका दबाव है जिसके बारे कल चर्चा किया ही था कि ये जो उसके कारण भोग उन्माद, लाभ उन्माद, काम उन्माद की स्थिति बन जा रही है, बहुत सारा सुविधा संग्रह करना मजबूरी हो जा रही है, आपस में विश्वास का भाव नहीं बन पा रहा है, तो शासन से, शोषण से, दमन से भय का स्थिति बनता जा रहा है समाज में, प्रकृति के साथ संबंध समझ में नहीं आ रहा है, हम निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति को भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास, प्रकृति का शोषण, दोहन, ये तमाम तरह की गतिविधियां होती हुई दिखाई देती हैं। अगर प्रभाव से सुख है ऐसा मानकर समाज चल रहा है, तो ठीक ढंग से देखते हैं तो ये दो तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कल ये कहा था कि हम अपने में रिफ्लेक्ट करें कि इन दोनों में से कौन सा वाला हमको ठीक लग रहा है, कौन सा वाला सहज स्वीकार लग रहा है, और कौन से एरिया में हम ऑपरेट कर रहे हैं। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि खुद में जब हम स्वभाव को समझ कर अपने में सही सोच और सही भाव को सुनिश्चित करते हैं, तो ये चारों लक्ष्य स्वतः ही धीरे धीरे पूरा करने की तरफ हम अग्रसरित होते ही चले जाते हैं, और चारों की आवश्यकता भी है, और चारों को जब हम ध्यान देकर पूरा करने का प्रयास करते हैं समाज में, तो परिवार जो है परस्पर पूरक विधि से जी पाते हैं और एक मानवीय समाज की तरफ हम बढ़ पाते हैं। जब भी प्रभाव से अनुकूल संवेदना या अनुकूल भाव पाकर सुखी करने का प्रयास होने का प्रयास करते हैं, उससे हम उस पर सब जो आसपास के परिवार हैं कोई समान लक्ष्य देख नहीं पाते हैं, तो एक भीड़ की तरह जीने के लिए विवश रहते हैं, और कई बार हमारा लक्ष्य और दूसरे परिवार का लक्ष्य अलग अलग हो जाता है, और कई बार वो अलग अलग होकर परस्पर विरोधी भी हो जाता है। तो परस्पर विरोधी लक्ष्यों को पूरा करते हुए भय बढ़ता जाता है, सुविधा संग्रह की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है, मान्यताएं टकराती रहती है, अंततोगत्वा हम प्रकृति पर दबाव बनाते चले जाते हैं, प्रकृति पर बोझ बनते चले जाते हैं, और जो पूरा समाज है देखे तो वो एक अमानवीय समाज के रूप में भीड़ में युद्ध के मैदान जैसे हालात में जीते हुए दिखाई देते हैं। तो ये दोनों में से हम कहाँ हैं, उस पर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना था, इसका एक अभ्यास भी दीदी ने शेयर किया ही था, फिर इस पर भी चर्चा किए थे। ये जो चेतना का विकास है, अर्थात सिर्फ सुविधा से हमारे सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, हम तृप्ति पूर्वक निरंतर जी सकते हैं, निरंतर सुख पूर्वक, सुख समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, सिर्फ सुविधा से होगा, इसको मूल्यांकित करके जब ये ध्यान में आता है कि इसके लिए तीनों ही चीजें सुनिश्चित करनी होंगी, सही समझ, सही भाव और आवश्यक सुविधा, तो जब तीनों पर ध्यान जाता है और चेतना हमारी तीनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत होती है, मुख्यतः अपने स्वभाव को समझकर अपने में सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करते हुए, तो हमारे चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेतना का विकास होता है, जीव चेतना से मानव चेतना। और फिर जब हम
खुद में सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करते हुए आगे जब बढ़ते हैं, समृद्धि और अभय और सअस्तित्व के लिए भी को भी ध्यान में रखकर धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो समाज में भी विकास होता है। अमानवीय समाज से मानवीय समाज, तो देखेंगे तो किसी इंस्टीट्यूशन में कोई एक व्यक्ति का ध्यान जाता है मानवीय चेतना पर, तो वो अपने लिए तो काम करता ही है, बहुत सारा जो सुविधा से ही सारा जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहा होता है वो व्यक्ति, वो समाज संबंध सुविधा तीनों पर ध्यान देने लगता है। तो विद्यालय में कॉलेज में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे शिक्षकों के साथ उसकी एक स्वीकृति बढ़ती चली जाती है, फिर धीरे धीरे उनका भी ध्यान मानव चेतना पे वो दिला पाता है और वो लोग भी अपनी चेतना के विकास में लग जाते हैं। कुछ 6 महीने, साल भर, 2 साल, जो भी समय लगता है उसमें कुछ 5-10 लोग अपने चेतना की स्थिति में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब वो अपने एफर्ट को समाज संबंध सुविधा तीनों के लिए लगा रहे होते हैं। ऐसे 10-20 लोग मिलकर के, 5-10 लोग मिलकर कॉलेज में एक टीम बना पाते हैं। कई बार वो अगर उसमें कॉलेज का सहयोग मिल जाता है तो एक सेल बना पाते हैं, जिसको हम लोग वैल्यू एजुकेशन सेल बोल रहे हैं। उसके लिए अगर कॉलेज प्रशासन में स्वीकृति है तो आसानी से बन जाता है, नहीं बनता है तो फिर वो टीम मिल करके वहां पर कोई वर्कशॉप 3 दिन का, 5 दिन का, जो भी वर्कशॉप्स हैं AICT के तरफ से, लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जब उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारे साथी लोग इससे परिचित हो पाते हैं कि सिर्फ सुविधा से जो जिंदगी चलाने का प्रयास कर रहे हैं ये पूरा नहीं पड़ता, संबंध और समझ को भी इसके साथ सुनिश्चित करना होगा। तो पूरे विद्यालय में, पूरे कॉलेज में ही बहुत सारे लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है। फिर 2 साल 3 साल में जो 4-5 लोग थे बढ़ के 20 लोग 25 लोग हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो कॉलेज एक नोडल सेंटर के रूप में डेवलप हो पाता है, जहाँ पर लोग अपनी चेतना के विकास का भी काम कर रहे हैं और आने वाले लोगों के भी अंदर चेतना के विकास में सहयोग हो रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जिससे जीव चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन का काम तो हो ही रहा है, लेकिन अमानवीय समाज से मानवीय समाज की तरफ भी बढ़ने का एक कार्य हो रहा है। फिर ये कॉलेज के लोग धीरे धीरे, जहाँ पर 10 साल 5 साल काम हो जाता है, 15 लोग 20 लोग इस तरह से थोड़ा चेतना के स्तर पर विकसित हो जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पर संस्था के सहयोग से, कई बार AICT और अन्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से, अन्य कॉलेजेस में भी इस तरह के विकास के लिए अपने एफर्ट करने ही लगते हैं। ये सारा काम तो पिछले 15 साल से हम लोग होता हुआ देख ही रहे हैं। तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नोडल सेंटर्स के रूप में डेवलप हुई है इस काम के लिए। लोगों ने अपने आप को अपने विकास के साथ साथ साथियों के विकास की भी जिम्मेदारी स्वीकारी है कॉलेजेस में। कई कॉलेजेस के टीचर्स अपने कॉलेज के लोगों के विकास में सहयोगी होते हुए अन्य कॉलेजेस के साथियों के विकास में भी सहयोग कर रहे हैं। तो देखें तो ये जो समाज का ट्रांसफॉर्मेशन है, अपनी चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ, ये तो होता हुआ हम लोग पिछले 15 साल से 20 साल से देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार इस पर ध्यान चला जाए कि चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है, तो धीरे धीरे हम मिलजुल कर समाज के ट्रांसफॉर्मेशन का कार्यक्रम बना पाते हैं। इसके लिए मानवीय शिक्षा हो सके, उसके लिए भी फिर आप धीरे धीरे प्रयासरत होते हैं। इस मानवीय शिक्षा से व्यक्ति में विकास होता है और फिर व्यक्ति मिलकर समाज के में विकास का माध्यम बन पाते हैं। इतनी बात हम लोगों ने कल चर्चा की थी और आप लोगों को रिफ्लेक्शन के लिए एक असाइनमेंट दिया था, तो कल ये असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर हुआ था कि मानव लक्ष्य को सुनिश्चित करने में आप अपनी भागीदारी पर ध्यान दें और देखें कि आप अपना जो सुख है वो स्वभाव से सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं, या करने का प्रयास कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर परिवार में समृद्धि पर आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं, समाज में अभय और प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता पर, और इन सब के लिए आप किस तरह का कार्यक्रम बना रहे हैं। और यदि स्वभाव पर ध्यान नहीं जा रहा है, इन चारों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर जो जीना हो रहा है समाज में लोगों का, उसे मानवीय समाज की तरह देख रहे हैं या अमानवीय समाज की तरह? और अमानवीय समाज से मानवीय समाज में ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, यह आपका आपको नेचुरली एक्सेप्टेड है या नहीं, और है तो इसके लिए क्या कार्यक्रम आप बना रहे हैं अभी या भविष्य के लिए? इस पर आप अपना जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको नोटबुक में लिखें, या अपेक्षा थी आप लोगों ने ये किया ही होगा। कुछ लोगों का हैंड रेज है, मैं उसको देख क्लिक करके उस पर बात शुरू करते हैं। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी दीदी। भैया, ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम आप ध्यान दिलाते हैं कि देखना या दिख जाए,
जो मेरे में स्वीकृत भाव है, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव दिख जाए, तो वो देखना शब्द से आप थोड़ा देखना शब्द को समझा दीजिए प्लीज। जी, तो जैसे आप अपने आप से बहुत सिंपल जो मेथड है वो, जी तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ जब आप कुछ जीने का कार्यक्रम बना रही हैं या सोच रही हैं अपने में, तो जी कई बार हमारे विचारों में देखेंगे तो विरोध का भी विचार चल रहा होता है, कई बार जी संबंध के निर्वहन का भी विचार चल रहा होता है, कई जी बार दोनों मिक्स चल रहा होता। तो हम जी सिंपल अपने से ही पूछें कि अभी विरोध का विचार चलाने की जगह है ना, पहले मैं यही जांच लूं कि मुझे विरोध का भाव सहज स्वीकार है या संबंध का भाव सहज स्वीकार। तो जी जी आपको अपने भीतर से ही कुछ उत्तर आता हुआ मिलता है, जैसे अभी आप पूछ के देखिए और देखिए कुछ उत्तर मिल रहा है कि नहीं, क्या जी जी भैया, संबंध उत्तर का मिलता है भाव उसको बताइए। जी, जी। तो ये संबंध का भाव का जो उत्तर आपके भीतर से मिला उस पर जी आपने ध्यान दिया है ना, जी कि जो अंदर से कुछ निश्चित उत्तर आ रहा है वो कोई जी बाहर से नहीं आ रहा है, जी इसी को कह रहे हैं अपने में देखना। फिर अपने में जो ये विरोध का भाव चल रहा है उसकी जगह संबंध के भाव को सुनिश्चित करना, संबंध के भाव को समझना, ऐसे ही देखेंगे आप तो कई लोगों के लिए आपके अंदर अपमान का भाव भी चलता हुआ आप देख पाएंगे जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि अपने साथ बैठे आधा एक घंटा, तो इस तरह के कौन से विचार मेरे भीतर चल रहे हैं वो पता चलता है। तो पता जी चला किसी के लिए अपमान का भाव चल रहा है, अपमान का विचार चल रहा है, तो आप अपने से प्रश्न पूछिए कि मेरे को अपमान का भाव सहज स्वीकार है या सम्मान का भाव सहज स्वीकार। जी उत्तर तो आपके भीतर से आता ही, जो उत्तर आ रहा है उसको ध्यान दीजिए और जी फिर उस पर ध्यान बनाकर उसको अपने भीतर सुनिश्चित करिए। ये है उसको देखना, फिर उसको समझना, फिर उसको अपने में सुनिश्चित करना, ये जी प्रक्रिया है। जी जी, जैसे पहले तो स्थिति बहुत डबाडोल थी कि उसको समय बहुत टाइम लगता था किसी बाहर से जो कोई इनपुट आया उससे निकलने के लिए, तो अब तो वो इंटेंसिटी कम हुआ है, उसको तुरंत जो है सो ये कर पाते हैं कि ये हम जो कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया पूर्वक कर रहे हैं या अनुक्रिया पूर्वक कर रहे हैं, या इसमें हम सही समझ के साथ कैसे इसको कुछ भी बाहर से इनपुट आया। तो मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए मुझे विश्वास का भाव सहज स्वीकार है, तो ये मेरे में अस्थिर हो जाए, इसके लिए यही जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं तो यही वाला कंटिन्यू करना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा कि मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं, ये पूछना है भैया। जी दीदी, उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे पहला स्टेप, तो उसका जो सबसे बेसिक स्टेप है वो यही है कि हमारे ये ध्यान में आ जाए कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है। जब भी जी। हम प्रभाव से सुखी होने का प्रयास करते हैं और सामने वाले की तरफ से सम्मान का, विश्वास का, स्नेह का भाव हमको नहीं मिलता, तो हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। कई बार हम उस प्रतिक्रिया को बाहर व्यक्त करते हैं, कई बार नहीं व्यक्त करते हैं। नहीं भी व्यक्त करें तो हम तो बेचैन हो ही जाते हैं, व्यक्त किए तो दोनों बेचैन हो जाते हैं, है ना। एक बार जैसे ही ये ध्यान में आता है कि प्रभाव नहीं है स्वभाव है, तो अब हम अपने सुख के लिए दूसरे को दोषी ठहरा के जो प्रतिक्रिया शुरू कर दे रहे थे उसकी जगह जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं कि मेरा भाव विचार कुछ बिगड़ा है, उस कारण मैं दुखी हूँ। और वो इसलिए बिगड़ा है, इसलिए नहीं बिगड़ा है कि दूसरे ने जो है मेरे साथ सही भाव से प्रस्तुत नहीं हुआ, बल्कि इसलिए बिगड़ा है कि कहीं ना कहीं सुख में दूसरों से मिलने वाले भाव में ढूंढ रहा था। अगर मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सुख मेरा स्वभाव है, तो अब दूसरा चाहे जिस भाव से प्रस्तुत हो उससे मैं उस व्यक्ति के स्थिति का तो आकलन करूंगा कि हाँ इसकी हालत ठीक नहीं, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वही मेरा मेरे अंदर विचार भाव में बना रहेगा, वो नहीं बदलेगा उसके व्यवहार से, उसके बिगड़े हुए भाव से। ये जी। पहला स्टेप भी अगर हम सुनिश्चित कर पाते हैं तो बहुत सारी प्रतिक्रियाओं से हम बचने लगते हैं। बिल्कुल बाकी बिल्कुल भी समय समय पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इस पर और गहराई से बात करेंगे, स्पेशली अभ्यास एक के 5वें 6ठे और 7वें स्टेप। जी। और बस लास्ट है क्योंकि और भी लोगों का प्रश्न है, एक बस ये छोटा सा प्रश्न है कि हम समाज में जो कल का हमारा गृह कार्य था कि समाज में अभय को स्थापित करने के लिए जो मेरी भागीदारी होगी तो वो तो लोक शिक्षा संस्कार कार्यक्रम से ही होगा ना, या उसके लिए कुछ और भी शिक्षा संस्कार से ही, मानवीय शिक्षा संस्कार से हम लोग उस मानवीय परंपरा को बना पाएंगे ना। कई तरह की भागीदारी है दीदी उसमें, कुछ उदाहरण बता देता हूँ सभी साथियों के लिए। जी जी जैसे बिल्कुल देखेंगे तो पहली भागीदारी तो यह है कि हम समाज में जिन 10 लोगों के साथ जी रहे हैं, 20-50 लोगों के साथ जी रहे हैं,
वहां जी हम अपने स्वभाव में सहज स्वीकृत भाव के अनुरूप जी पाए, तो वहां लोगों का हमारे साथ जीने में एक विश्वास बनता है, एक ना हमारे साथ एक स्वीकृति बनती है, तो हम जी मिलजुल करके एक टीम बन पाते हैं। अगर बिल्कुल हमारी टीम नहीं भी बन पाई है, तो जो लोग इस काम में लगे हैं थोड़ा लंबे समय से, हम उनके साथ मिलजुल करके उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं जब तक हमारे इर्द गिर्द टीम डेवलप नहीं हुई। क्योंकि एक बार जब हम टीम में जुड़ पाते हैं या टीम डेवलप कर पाते हैं, दोनों ही स्थिति में फिर हम मिलजुल करके कोई समाज के व्यवस्था के अर्थ में, मानवीय समाज के अर्थ में कोई बड़ी जिम्मेदारी ले पाते हैं एज ए टीम। अगर बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे किसी टीम के साथ कुछ छोटी जिम्मेदारी ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी हम लोग मॉर्निंग सेशन चला रहे हैं, तो कोई जैसे जी प्रिया दीदी हैं, वो पंजाब से इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रही हैं, मतलब ये कर रही हैं, एंकरिंग कर रही हैं। बहुत सारे जी साथी लोग पीछे टेक्निकल सपोर्ट में अपने अपने घर से लगे हैं। बहुत जी सारे भैया जो तारा प्रसन्ना भैया है वो कहीं और से, कुमार भैया कहीं और से, तो लोग हम सब लोग अलग अलग जगहों से हैं। और शायद मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अभी बहुत सारे लोगों से मिला भी नहीं हूं, लेकिन मिलजुल करके समाज में कुछ चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, हम सभी लोग अपने अपने जॉब को करते हुए, अपनी अपनी नौकरी कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए इसको उस जी टीम के रूप में कर पा रहे हैं। अकेले हमें करना हो या अकेले कुमार भैया को करना हो, तो ये नहीं हो पाता। तो पहला तो काम यही है कि अगर हमारी टीम बन गई है तो हम ही कुछ जिम्मेदारी लें, किसी के साथ नहीं बनी है तो किसी टीम के साथ मिलकर कुछ करें इस मानवीय समाज के लिए। दूसरा, करने जाते हैं तो क्या कर सकते हैं उसको अगर देखें, तो मेजर काम तो देखेंगे तो 20 साल आदमी अपनी जिंदगी का शिक्षा संस्कार में गुजार रहा है, जी पहली बिल्कुल क्लास से लेकर के, है ना। तो वहां पर अगर ठीक शिक्षा दे दिया जाए, ठीक संस्कार दे दिया जाए, तो आदमी मानवीय समाज से जीने की तरफ अग्रसर हो पाता है, उसका एक बेसिक तैयारी हो पाती है। तो जी ये भैया 20 साल की अगर शिक्षा को ही ठीक किया जा सके, तो जी उसमें बहुत सारा चीजें ऑलरेडी ठीक होने लग जाएंगी। तो क्या ठीक किया जा सकता है, तो अगर आज के दिन देखें तो इस शिक्षा संस्कार में बिल्डिंगों का अभाव नहीं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें इंस्ट्रूमेंट का अभाव नहीं है, पुस्तकों का अभाव नहीं है, जी ड्रेस का अभाव नहीं, संसाधनों का अभाव नहीं, बल्कि उल्टा हो गया है मामला। सरकारी विद्यालय ज्यादा बढ़ गए हैं, बच्चे कम हो गए हैं। कई जगह सरकारी विद्यालयों को बच्चे ना होने के कारण मर्ज करके किसी एक को बंद करना पड़ रहा जी है। तो संसाधन पर्याप्त हो गए हैं, कमी कहाँ पर है? तो हमारे शिक्षक का ध्यान इस तरफ चला जाए कि स्वभाव सुख है, प्रभाव सुख नहीं है, बिल्कुल 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 और उससे वो अपने में सही समझ सही भाव को सुनिश्चित कर पाए, तो विद्यालय और बच्चों और समाज के प्रति एक जिम्मेदारी के भाव से वो तैयार हो पाएंगे, और सरकार ने भी उनको ये जिम्मेदारी दे रखी है, उसका वो काम ही करेंगे, उनको कहीं से इसके लिए छुट्टी नहीं लेना है। तो जी एक तो वो काम है। दूसरा क्या है कि कैरिकुलम बन सके हर जगह के लिए, स्कूल के जी लिए, विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए, इसका ठीक कैरिकुलम बन सके, अभ्यास पुस्तिकाएं बन सके, इसके लिए अन्य मटेरियल बन सके। साथ ही साथ देखेंगे तो इसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम बन सके, लोगों का प्रशिक्षण कैसे होगा, लिटरेचर डेवलप कैसे होगा। तो देखेंगे तो इन सभी दिशाओं में कुछ ना कुछ काम ऑलरेडी चल रहे हैं ना? जी तो उसमें किसी भी, जिसमें भी आपको लगता है कि आप लिटरेचर डेवलपमेंट में कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो लिटरेचर डेवलपमेंट वाली टीम के साथ मिल सकते हैं, प्रशिक्षण में कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ विद्यालयों में जाकर शिक्षकों का ध्यान आकर्षण में सहयोग कर सकते हैं, जो शिक्षक ऑलरेडी ध्यान दे पाए हैं, क्योंकि आप 10 साल से इस काम में लगी हैं, तो आप उनका सहयोग करने में, आगे दिशा देने में कुछ सहयोगी हो सकती हैं। जी ऐसे अपने भूमिका को जिस भी स्थिति में आप हैं वहां आकलन करके, हम सभी लोग अगर अपनी भूमिकाओं में 10% 30% जितना भी हमारे पास समय है उसका अगर समाज के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम डिजाइन करते हैं, तो धीरे जी धीरे समाज ट्रांसफॉर्म होता है। और जी समाज का ट्रांसफॉर्म होना इसलिए भी जरूरी है दीदी, कि जी देखेंगे तो इस पूरी धरती का हवा कॉमन है, जी पानी बिल्कुल कॉमन है ना। अभी तो कोरोना काल ने बता दिया कि एक आदमी ने अगर लैब में भी कुछ, अगर पता नहीं वो कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन एक आदमी ने समझने में गलती कर दी और कुछ वायरस डेवलप कर दिया, तो सभी आदमी की हालत खराब होने वाली। बिल्कुल भैया बिल्कुल तो इस रूप में आप देखेंगे तो आप चाहे कितना भी अपना कमरा प्राइवेट बना लें, लेकिन हवा कॉमन है, पानी कॉमन है, रिसोर्सेस कॉमन है। आप देखेंगे तो आप जो सब्जी में जहर मिला रहे हैं उसका असर डायरेक्ट रूप से आपके खाने पे पड़ रहा है,
बिल्कुल कॉमन है, जब तक वो ठीक नहीं होगा अपना एक इंडिविजुअल फ्लैट लेकर के वहां सुविधाओं को सुनिश्चित करके आप बहुत दिनों ज्यादा अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों को जो है सही भविष्य हम आप दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए जी ये परसेंट नीड है ना, अपने लिए जितना आप सुविधाएं प्रिजर्व कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको भी रिजॉल्व करने का। तो अगर ये हाँ सब हमको जरूरी दिखता है तो हम सब लोग उसमें अपनी उचित भागीदारी को पहचान कर या तो इस दिशा में कुछ काम खुद शुरू करते हैं या ऑलरेडी जहाँ शुरू हो रखा है वहाँ उन सब लोगों के साथ मिलजुल कर एक टीम के रूप में इस काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। और दीदी आपसे तो ज्यादा ही अपेक्षा है क्योंकि आप 10-12 साल से इस काम में लगी जी हुई हैं, अपने परिवार को संतुलित करने को लिए बहुत सारा प्रयास कर एक जगह पहुंचा भी ली है। तो अब जी आपको तो बिल्कुल ठीक से मन बनाना चाहिए इस काम के लिए। भैया बिल्कुल मन बना है, एकदम लक्ष्य तो यही है। और एक चीज और हम कहना चाहेंगे भैया कि इस बीच में आप हम लोगों को समझा रहे थे, तो आप एक सेंटेंस बताए कि दूसरे के व्यवहार कार्य को हम रीड करेंगे लेकिन ये इस उसके स्थिति को आकलन करने के लिए। तो आपका ये चीज जो है सो मुझे और अभ्यास करने में और सेल्फ एक्सप्लोरेशन में बहुत, कोई एक ऐसा चीज नहीं होता है जो हमें बिल्कुल टच कर जाता है। तो ये आपका जो ये इनपुट आया ये बहुत मुझे, उस दिन से जब से ये 10वां बैच शुरू हुआ है 1 मई से, और आप 1-2 दिन बाद ये चीज बोले, तो बहुत सहयोगी हो रहा है ये चीज अपने में एक अभ्यास करने में। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जी भैया नमस्ते भैया, नमस्ते। कृष्ण गोपाल बरादा, एमएलबी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जी कॉलेज बाड़ा से जी जी भैया। नमस्ते। तो नमस्ते भैया। ठीक है आप? बिल्कुल बढ़िया भैया, और आपकी आवाज सुन के लग रहा है कि आप भी एकदम बढ़िया जी भैया है। इससे बड़ी बताइए। खुशी मिल रही भैया, आपकी वर्कशॉप जो हुई थी नवंबर 22 में यानी कि लगभग 1.5 साल पहले, तब इस कंटेंट को पहली बार एक्सप्लोर किया भैया। और उसके पहले का जो एक्सप्लोरेशन था तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डाउट्स थे, और स्टार्ट मेरा इस कंटेंट का एक्सप्लोरेशन आपके पहले शिविर से हुआ था। तो वो जो पुराना एक्सप्लोरेशन और जो डाउट्स थे उनको बहुत ही मैंने आपके सामने रखा था। हालांकि मेरा तो शिविर करने का भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन कोइंसिडेंटली सारा सब कुछ हुआ। और जब आपसे आपका जो पहला दिन मैंने अटेंड किया था तो एक विश्वास बना था भैया आप इस कंटेंट के ऊपर, और जिस सादगी के साथ, जिस स्पष्टता और सटीकता के साथ आप बात रखते हैं और भावपूर्ण तरीके से आप बात को रखते हैं, हालांकि मेरा पहला एक्सपीरियंस जो आपके था आज रख रहा हूँ आपके सामने, कि आपको देख करके लगा नहीं कि इतना भावपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन भैया जो भाव आपके थ्रू जो कन्वे हुए उस 7-8 दिन के अंदर जो प्रोसेस हुआ है उसने कई सारे डाउट्स तो उसी वर्कशॉप में क्लियर हो गए, और उसी के बाद मॉर्निंग सेशन में जुड़ गया था, यानी कि मेरी यात्रा शुरू हो गई थी भैया वापस एक सही दिशा में। और उसकी वजह से काफी मैं ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर देख रहा हूँ, और मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करने के बाद और अच्छी स्पष्टता बनी अभ्यास को, वो डिटेल में आप क्योंकि वहाँ थोड़ा समय की कमी से सारी स्टेप्स नहीं करवा पा रहे थे, तो कुमार भैया उस समय मॉर्निंग सेशन ले रहे थे तो उनमें जुड़ के भैया काफी स्पष्टता बनी, और आज ये भैया मैं लगभग 1.5 साल के अंदर मुझे ये विश्वास बन गया है, पूरी तरह से आत्मविश्वास बन गया है कि सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं है। और जितनी ये बात गहराई से गई है और इसमें दोनों जो हमारी जो प्रैक्टिस है अभ्यास 1 और अभ्यास 2 ने बहुत मदद किया भैया, और तो उसकी वजह से मेरा जो सबसे पहले जो मेरे अंदर जो परिमार्जन होना था वो शुरू हुआ, और उसके बाद परिवार में भी भैया उसका रिफ्लेक्शन इफेक्ट मैं देख रहा हूँ, जो कि लास्ट 25 ईयर्स की कई सारी एक्सप्लोरेशन के बाद भी संभव नहीं हो पा रहा था, जबकि मैं अपने प्रयास अथक कर रहा था। बस भैया एक तो इस कंटेंट के प्रति मेरी कृतज्ञता है, आभार है श्रद्धेय नागराज जी के प्रति, और भैया क्योंकि आप तो मेरे पहले गुरु हैं इस कंटेंट को लेकर के, तो आपके प्रति तो वो भाव इतना गहराई से बना रहता है कि आपको सुनने के बाद मेरे को लगा कि मुझे भी अपना भाव आपके सामने और सबके सामने रखना चाहिए, और मृणाली जी को भी मैं अभी जो उन्होंने शेयरिंग किया उसके लिए साधुवाद दूंगा भैया। और ये नॉट ओनली मृणाली जी, मैं कई सारे रिफ्लेक्शंस जब सुनता हूँ तो इस कंटेंट की जो पावर है वो स्पष्ट होती है, हालांकि वो मुझे मेरे अंदर परिमार्जन से स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन मैंने देखा भैया कि जो भी इसको सुनता है बात उसकी गहराई तक पहुंचती है। और आपके शिविर के बाद लकीली मुझे ये सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाने को भी मिल गया था, तो ये मेरा अभी तीसरा सेमेस्टर चल रहा है भैया, और मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों में भी उसके प्रति बहुत पॉजिटिव रुझान है, हालांकि थोड़ा उनको मुश्किल लगता है बाहरी जो
पीयर प्रेशर, जो बाहरी वातावरण है, लेकिन कंटेंट की जब बात उनके सामने रखी जाती है तो लगभग 100% उनकी सहमति बनती है भैया। तो बस इतना सा रखना था, बाकी समाज स्वयं में परिमार्जन करते हुए परिवार फिर समाज में परिमार्जन संभव है, इसकी बिल्कुल स्पष्टता बन गई भैया, तो उसके लिए आपका आभार, सभी को एक्सप्लोरर का आभार, बस इतना ही रखना था भैया। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि भैया कि पिछले 1.5-2 साल से मैं ये देख भी पा रहा हूँ, जो चर्चा भी मेरे दीदी के साथ हो रही थी, तो उसका एक उदाहरण है आपका कॉलेज। आपने मन बनाया, आपने अपने लिए जो एक्सप्लोरेशन किया, आपने अपने में जो अपनी चेतना में गति किया, उसका प्रभाव सिर्फ आप तक ही नहीं है, वो एक तरह से पूरे विद्यालय में दिखता है। बहुत सारे बच्चे आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होते चले गए। शिक्षकों में भी देखेंगे तो इस बात के प्रति आवश्यक है, बहुत सारा आपके माध्यम से एक्सपीरियंस को आगे बढ़ा, और समाज में भी बहुत सारे लोग, और जिस तरह से आप और आपके साथी बच्चे और शिक्षक मिलकर अपने विद्यालय में हर 6 महीने पर जिस इस तरह का एक वर्कशॉप कर पा रहे हैं, और उससे पूरे विद्यालय में ही देखेंगे तो मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका वहां पर, तो आपका धीरे धीरे वो इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा के लिए भी और पूरे प्रदेश और देश के लिए भी एक मॉडल सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है। और मुझे तो आपसे अपेक्षा भी है और आप करने की योग्यता भी रखते हैं कि धीरे धीरे जितनी जल्दी आप वहाँ पर एक रिसोर्स पर्सन की जगह अपने आप को तैयार करके खड़ा कर पाए। और मुझे लगता है कि अब बहुत जगह बहुत दूर नहीं है, काफी यात्रा आपने कर ली है, अब आप उसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाए। बच्चों में तो आप कर ही रहे हैं और जो समाज के लोग हैं और अन्य लोग हैं, तो जिस नोडल सेंटर का और जिस तरह के प्रोग्रेसिव तरीके से उस नोडल सेंटर का मानवीय समाज के लिए आगे बढ़ना, उस दिशा में हम अभी बात कर रहे थे, आपका कॉलेज उसका एक उदाहरण है जिसने बहुत तेजी से उस दिशा में प्रयोग किया है। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अभी फिर से आना होगा आपके यहाँ, तो ये जी सारा जी ग्रोथ जो भैया, आपको आपकी मिलेगा। याद आती सभी को, तो आपको प्लान बनाना, बीच में आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं आपसे वो अपेक्षा नहीं थी, तो बिल्कुल हमें पता भैया, भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा में काफी लोग कनेक्ट हुए हैं आपके वर्कशॉप्स के बाद में। और भैया मेरे सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल जो जगह लगती है ना भैया, समाज में फिर भी इतना मुश्किल नहीं लगता, कॉलेज में इतना मुश्किल नहीं लगता, पर मेरा जो पिछला 25 साल का जो एक्सप्लोरेशन या जो जीना था, उसकी वजह से घर में एक अविश्वास बना था। तो जब आपकी वर्कशॉप में जुड़ा और मैंने उनको भी बोला था, वाइफ को भी, तो उन्होंने कहा कि 6 महीना केवल आपको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आप जिससे भी जुड़ते हैं आप हमारे ऊपर उसको लादने की कोशिश करते हैं और उसका फिर कोई ज्यादा इफेक्ट आता नहीं है, और फिर आप नई जगह जुड़ जाते हैं और फिर वापस वहीं की सारी चीजें करते हैं। तो भैया 6 महीने उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया है, और हालांकि आपकी वर्कशॉप में आप कुछ सेशंस उन्होंने अटेंड किए हैं, लेकिन अब उनका पूरा मन बन गया। बिटिया भी 24 ईयर्स की हैं और वो हापुड़ में अभी शिविर कर रही है भैया, तो ये एक बहुत ही मतलब जो, क्योंकि परिवार में आपको 24 आवर्स ऑब्जर्व किया जाता है, आपके आचरण को देखा जाता है, और मुझे लगता है वो सबसे लगता है कि बहुत छोटी छोटा काम है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है भैया जो परिवार में हो पाता है। तो वो भी भैया आपके मार्गदर्शन से, गणेश सर के मार्गदर्शन से, कुमार भैया के मार्गदर्शन से काफी कुछ हो पा रहा है, तो इसी इसके लिए भैया बहुत बहुत आभार, और बहुत जल्दी आपसे मिलने का मन है, अभी आ रहा हूँ मानव व्यवहार दर्शन के पठन के लिए, तो हो सकता है आपसे मुलाकात होगी भैया। जी, भैया नमस्ते भैया। जी भैया, मेरी जो भी फीलिंग्स थी कृष्णा ने पूरी तरह से रख दिया उसको, कि कंटेंट की ब्यूटी और रिसोर्स पर्सन का प्रेजेंट करने का जो ध्यान हो जो तरीका होता है वो बहुत सारी चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिला देता है। और मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि सर भैया ने सब कुछ कह दिया जो भी मैं कहना चाहती थी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस क्या मतलब एक प्रॉब्लम है जो चल रही है, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। भैया हमारे स्कूल में 2 ग्रुप बन गए हैं कि किसी एक से गलती हुई तो उन्होंने, जैसे एग्जामिनेशन का था, एक एग्जामिनेशन में किसी से कुछ गलती हुई तो एग्जामिनेशन वालों ने बहुत ही बुरे तरीके से उनको कहा, मतलब कहने का ढंग रिस्पेक्टफुल नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम और बहुत लोगों को भी बुरा लगा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जिनको ये किया गया था, टारगेट किया गया था, उनके साथ और बहुत सारे लोग मिल गए जिनको एग्जामिनेशन वालों से पहले से प्रॉब्लम थी
क्योंकि उनके बोलने का तरीका आई थिंक कुछ ऐसा रहा होगा कि जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो काफी सारे लोगों ने, 8-10 लोगों ने ग्रुप बना के कंप्लेंट कर दी रिटर्न में कि वो लोग जो हैं हमें टारगेट कर रहे हैं। और सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, किसी ने किसी को जाति वाला कोई कमेंट सुनने को मिला, किसी को ऐसे ही इमोशनली कुछ ना कुछ कहा गया। तो 8-9 लोगों को प्रॉब्लम थी और सबने रिटर्न में इकट्ठा करके दे दिया। जब इंचार्ज के पास बात आई तो वो इंचार्ज भी एक्चुअली हमारे HOS नहीं है, मतलब प्रिंसिपल नहीं है, तो एक PGT जो है वो इंचार्ज का काम कर रही है। तो उन्होंने उन्होंने उनको बोल दिया एग्जामिनेशन वालों को कि आप रिटर्न में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि उनके साथ भी ये बात हो चुकी थी। एग्जामिनेशन वालों ने उनको भी कुछ इस तरह से ट्रीट किया था कि वो भी हर्ट थी, और उन्होंने उनका साथ दिया दूसरे ग्रुप का, 8-9 वालों का, और बोला कि आप रिटर्न में एक्सप्लेन करिए। तो सर मैं सीनियर हूँ, तो मुझे एग्जामिनेशन वालों ने बार बार बोला कि आप इतने सालों से हमारे साथ हैं, और वो रोए भी कि हमें इन पूरे ग्रुप ने टारगेट कर दिया है और ममता मैम आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, आप इतने सालों से हमारे साथ हो, आप हमारे नेचर को जानते हो, सब कुछ ये सब बोला उन्होंने, और वो रोए और मैं देख पा रही थी कि बहुत परेशान है। और एक्चुअली मुझे दोनों ग्रुप का वो दिख रहा था कि दोनों परेशान है। तो जब उन्होंने कहा कि आप कुछ करिए, तो फिर मैंने उनसे बात की, दोनों तरफ से बात की और सेटल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही ग्रुप जो हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे किसी भी बात को। मैंने कहा कि आप आमने सामने, मैंने HOS क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हूँ और इंचार्ज भी हूँ उसमें, तो मैंने उनको बोला कि मैम आप आमने सामने बिठा के इनके जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो आमने सामने बैठ के भी वही ब्लेम गेम चलती रही, कुछ नहीं हुआ। तो अब मुझे उसमें अपना रोल नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि माहौल बड़ा खराब होता जा रहा है, तो सबके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। जी, तो बहुत मुझे सिंपल लग रहा है इसका कुछ करना सॉल्यूशन है। चाहिए। अगर आप कहें तो मैं उस पर थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ। तो क्या है, जी जी देखेंगे ना, जी तो जो भी झंझट है ना, बाहर से उसके 50 कारण दिखते हैं, लेकिन जब आप ठीक ढंग से देखने जाएंगे तो मूल कारण तो सिर्फ एक है कि दोनों पक्ष अपने अपने भाव पर ध्यान नहीं दे पा रहे, जो सहज स्वीकृत भाव है, और उसको अपने में सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरे से भाव की अपेक्षा लगाए पाए हैं, लगा रहे हैं वो निरंतरता में पूरा होने के लिए, और वो पूरा हो नहीं पाता है, तो उस कारण इरिटेट होकर बहुत सारा दोषारोपण दोनों एक दूसरे पक्ष पे करते रहते हैं। अब आप उन घटनाओं को कितना भी सुलटा लीजिए, वो समय समय पर वैसे ही एग्रीवेट होता रहता है। तो बहुत तो सिंपल उपाय है, जो चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे, MLB कॉलेज या और अन्य जगहों के लिए, उस तरह से आप अपने यहाँ भी शुरू कर सकती हैं कि दोनों पक्षों से तीन तीन चार चार लोगों को चिन्हित करें, और उनको इस तरह की जो कार्यशालाएं हैं जहां पर सही समझ सही भाव पर चर्चा हो रही है, सहज स्वीकृत भाव पर, अलग अलग जगह भेजें। जब तक उनका ध्यान सही समझ सही भाव पर ध्यान नहीं जाएगा, तब तक वो चर्चा आपस में करने की जगह पे भी नहीं पहुंच पाएंगे लोग जो विरोध से भरे हैं। तो एक बार इन जगहों पे जाएं, अब आजकल तो सब ऑफिशियल हो गया है, चाहे किसी स्कूल हो या महाविद्यालय हो, सभी जगहों पर ऑफिशियली ये सब वर्कशॉप होने लगे हैं। ऑन ड्यूटी जाकर वर्कशॉप कर रहे हैं, जाके वर्कशॉप करके आए, उधर के भी 4-5 लोग, उधर के भी 4-5 लोग, फिर उनके साथ आपका संवाद हो, फिर आपस में मिल के संवाद हो, तो ये लोग मिलकर पूरे विद्यालय का कैसे वातावरण ठीक होगा, एक टीम के रूप में सोचना शुरू करें। तो उससे पहले अगर आप करेंगे तो लोग दूसरे को विरोधी मान के ही चर्चा आगे बढ़ाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको रिजॉल्व करना। तो एक बार यहाँ से अगर आप शुरू करें तो धीरे धीरे सही समझ सही भाव पर ध्यान देने वालों की विद्यालय में टीम बनेगी, और ये विद्यालय की एक रेगुलर एक्टिविटी बन जाएगी कि वीकली 2 घंटा उस पर चर्चा रख रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे तो विद्यालय का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा, और बहुत सारा समय जो विद्यालय का नेगेटिविटी में जा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में जा रहा है, एक दूसरे को फंसाने में जा रहा है, वो समय बचने लगेगा। उसका प्रयोग हम सब लोग मिलकर अपने बच्चों के चेतना के विकास पर लगा सकते हैं, और उनके माता पिता के चेतना के विकास पर लगा सकते हैं, सही रूप से शिक्षक होने की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं।
सारी संभावनाएं हैं, अच्छी बात है आप इतनी जिम्मेदारी से सोच रही हैं। मुझे लगता है इस तरह से एक बार आप प्रयास करके देखें, कई जगहों पर इसके बहुत बेहतर परिणाम आए हैं। जी माताजी, जी भैया, ठीक है, मैं इसकी कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू भैया। तो अभी तक हम लोगों ने सुख स्वभाव है या प्रभाव उसको समझने का ठीक से प्रयास किया, फिर उसमें इस बात पर भी हम लोगों ने समझने का चर्चा किया कि उसमें चेतना के विकास का क्या आशय है और समाज में विकास का क्या आशय है। सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं, ये समझ में आने से चेतना का विकास किस तरह से आगे बढ़ सकता है और परिणाम स्वरूप समाज में विकास किस तरह से आगे बढ़ सकता है। जब हम सुख स्वभाव है ये समझने जाते हैं तो बात ये आती है कि हम सही को समझकर सही भाव अपने में सुनिश्चित कर सके, सहज स्वीकृत भाव को समझकर अपने में सुनिश्चित कर सके। और जब सही को समझने जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो खुद को ही ठीक ठीक समझना है। अगर खुद को ठीक ठीक समझ पाते हैं तो अपने लिए सहज स्वीकृत भाव को भी ठीक ठीक देख पाते हैं और उसको भी सुनिश्चित कर पाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा समझने का हम लोग आज प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग मानव में व्यवस्था को समझने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। ये बात आप लोगों ने इनिशियल जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें ऑलरेडी पूरा आपने चर्चा कर रखी है, इसलिए उन मुद्दों पर तो बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पर जो भी ध्यान दिलाना है वो ध्यान दिला देंगे और जितने प्रश्नों पे आज बात हो सकती है वो तो करेंगे ही, शेष प्रश्नों पे कल भी बात करेंगे। तो ये बात हम लोग ठीक से कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि मानव सिर्फ शरीर है या मैं और शरीर, सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस। कई बार हम तर्क के रूप में तो ये कह पाते हैं कि नहीं नहीं हम सिर्फ शरीर नहीं है, सेल्फ और बॉडी दोनों है। दोनों हैं तो आप अपनी आवश्यकताएं, जो अपनी आवश्यकताओं को देखते हैं, ये जुटाना है, ये जुटाना है, ये जुटाना है, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, दिन भर जो आप विचारों में चलता रहता है, किचन ठीक करना है, बर्तन ठीक करने, कपड़े ठीक करने, टीवी ठीक कराना, पंखा ठीक कराना है, ये सामान खरीदना है, वो सामान खरीद के लाना है, बहुत सारा ऐसा मन में आपके विचार चलता रहता है आपके सेल्फ, क्योंकि ये आवश्यकता महसूस होती है। कितनी बार आप अपने पे ध्यान देते हैं तो ऐसा भी अपने भीतर चलता हुआ पाते हैं कि मुझे अपने भाव पर ध्यान देना है, उसको भी ठीक करना है, वो मेरे निरंतर सुख के लिए जरूरी है, मुझे अपने को भी समझना है, संबंध को भी समझना है, प्रकृति को भी समझना है, उसमें अपनी निश्चित भागीदारी को भी पहचान लेना है, उसको अपने में सुनिश्चित कर लेना है, दूसरे के बिगड़े हुए भाव से प्रभावित रहने की योग्यता अर्जित कर लेनी, इस पर कितना हमारा चलता है। अब ध्यान देकर देखेंगे तो अब देख पाएंगे कि कितना परसेंटेज हमारा सुविधाओं से जुड़ा हुआ अपने भीतर चलता है भाव विचार तो कल्पनाशीलता में, और कितना सही को समझकर अपने में सही भाव को सुनिश्चित करने का चलता है। दोनों का चलता है या एक ही चलता है, या दोनों में कौन सा, अगर दोनों चलता है तो कौन सा वाला ज्यादा चलता है और कौन सा वाला कम चलता है। तो ये पता चलेगा कि अभी हमने दोनों को अस्तित्व के रूप में ठीक ठीक समझ लिया है कि नहीं। अगर समझ लिया है तो दोनों का चलेगा, और दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, अगर ये ठीक से समझ लिया है तो सेल्फ वाला अधिक चलेगा और आवश्यकता अनुसार बॉडी वाला चलेगा। और अगर ठीक से वरीयता को नहीं समझा है तो शरीर अभी भी वरीयता में होगा और ये चल रहा होगा, जब शरीर रिलेटेड आवश्यकताओं से समय मिलेगा तो थोड़ा बहुत सेल्फ पे लगा लेंगे, इस हफ्ते लगा लेंगे, नहीं अगले हफ्ते लगा लेंगे, घंटा भर लगा तो लिया, हो तो गया भाव, तो शरीर ही प्राथमिकता पे चलता रहता है। तो हम सबको अपने ही भीतर ऑब्जर्व करके देखना है कि हमने ये दोनों अस्तित्व में है इसको ठीक से स्वीकार लिया है, जांच करके देख लिया है या नहीं, और वरीयता दोनों में ठीक कर लिया है कि नहीं, तो सेल्फ वरीयता में है या बॉडी, और वो उसका पहचान क्या है, ये तर्क से नहीं, हम अपने कल्पनाशीलता को बैठ कर ऑब्जर्व करते हैं तो कितना समय शरीर रिलेटेड चीजों पे वो चलता है और कितना समय सेल्फ रिलेटेड, उसके कई उदाहरण मैंने अभी चर्चा की। बाकी ये बात तो हम सबको ध्यान में ही है कि शरीर की जो आवश्यकता है देखें तो भोजन, कपड़ा, गाड़ी इस तरह की है जो सामायिक है, जो समय समय पर जरूरत पड़ती है, समय समय पर उसकी आवश्यकता है, लेकिन भाव, सही भाव का सही समझ की जो सेल्फ में आवश्यकता है वो तो निरंतर है, सुख सम्मान इस तरह की तो निरंतर आवश्यकता है, एक क्वांटिटेटिव है एक क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है का आशय यह है कि उसकी मात्रा निश्चित हो सकती है, क्वालिटेटिव है उसका मात्रा है कि वो भावात्मक है, गुणात्मक है,
कंटिन्यूटी में उसकी जरूरत है या उसकी कंटिन्यूटी में जरूरत नहीं है। तो अपमान अविश्वास इनकी कंटिन्यूटी में जरूरत नहीं, सम्मान विश्वास इनकी कंटिन्यूटी में जरूरत। ये क्वालिटेटिव जो शरीर है उसकी जो आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होगी, मैं की जो आवश्यकता है वो सही समझ और सही भाव से पूरी होगी। और अगर मैंने स्वयं में सहज स्वीकृत भाव को सही सही समझा है तो मैं उसको सही सही अपने भीतर सुनिश्चित भी कर पाता। धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज को भी अगर देखने जाता है तो चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, बहुत तरह की एक्टिविटी दिखाई देती है। बहुत तरह की ऐसी भी एक्टिविटी दिखाई देती है जैसे मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ, बहुत सारे समय कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ। तो कुछ ऐसी भी एक्टिविटी दिखाई देती है, कुछ एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जो हो तो शरीर में रही है लेकिन हर बार जब शरीर में उसे उस एक्टिविटी को कराना है तो सेल्फ का उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे कौन सा सब्जी सेलेक्ट करना है कि रोटी सेलेक्ट करना है, इसमें सेल्फ का निर्णय इन्वॉल्व है हर क्षण, है ना। रोटी का टुकड़ा छोटा तोड़ना है, बड़ा तोड़ना है, उसमें हर बार मेरा निर्णय सेल्फ का इन्वॉल्व है। बहुत सारी शरीर में ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसमें एक बार सेल्फ का कंसेंट हो गया और वो चलती चली जा रही है। तो जैसे सांस को देखें और भी बहुत सारी क्रियाएं जो सेल्फ बड़ी शरीर में चल रही है। लेकिन अगर हम मानव के रूप में अपने भीतर देखेंगे तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बॉडी पर हम ध्यान दें ना दें उससे उस क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी कल्पनाशीलता को देखें वो निरंतर चल रही है, इच्छा निरंतर बना हुआ है, विचार निरंतर चल रहे हैं, उसमें शरीर के किसी भी ऑर्गन का कोई रोल नहीं है। शरीर के किसी सेंसरी ऑर्गन से हम इनपुट लें तो भी वो चलता रहता है, अगर ना इनपुट लें तो भी वो चलता रहता है। तो उसकी अपने में एक क्या कहें, शरीर से इनडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उन क्रियाओं का, धीरे धीरे हम देख पाएंगे। तो शरीर की क्रियाएं अलग हैं, सेल्फ की क्रियाएं अलग हैं, और शरीर में जो भी बहुत सारे एक्टिविटी जो मैं शरीर से करवा रहा हूँ उसमें सेल्फ का निर्णय इन्वॉल्व है। इन क्रियाओं को भी आप देखने जाते हैं तो देख पाते हैं कि शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं आप निरंतर कर नहीं सकते, वो टेम्परेरी है, जबकि सेल्फ की क्रिया को अगर आप रोकना चाहें तो रोक नहीं पाते, वो तो कंटिन्यूअस चलती रहती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, उस पर डिटेल चर्चा तो आने वाले दिनों में करेंगे, कि जो शरीर का निर्वाह करने का तरीका है वो तो पहचानने निर्वाह करने के आधार पर करता है। शरीर भी एक तरह से देखेंगे तो रिकग्नाइज और फुलफिल करता है। सेल्फ को देखेंगे तो इसमें सिर्फ पहचानना निर्वाह करना नहीं, जानना मानना के साथ पहचानना निर्वाह, ये जानना मानना जो चल रहा है ये सेल्फ की ट्रेडिशनल एक तरह से एक्टिविटीज है। जानने मानने के आधार पर पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। जिन भी इकाइयों में ये जानना मानना का या दोनों में से कम एक कोई चल रहा है उसी को हम कॉन्शियस यूनिट कह रहे हैं। पहचानना निर्वाह करना तो जड़ में भी चल रहा है, तो लोहा को भी देखेंगे तो वो भी पानी के साथ उसको पहचान रहा है और निर्वाह करने में जंग में बदल जा रहा है। पेड़ को देखेंगे तो वो भी धरती के साथ पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है। शरीर को देखेंगे तो वो भी बहुत तरह से पहचानना निर्वाह करना कर ही रहा है। सेल्फ में देखेंगे तो सेल्फ का पहचानना निर्वाह करना जानने मानने के साथ चल रहा है या जाने बिना सिर्फ मानने के साथ चल रहा है। तो अगर इसको देखते हैं तो ये जो शरीर है, शरीर को कह रहे हैं जड़ इकाई और चैतन्य कह रहे हैं सेल्फ। तो अगर दोनों को मिला के कह रहे हैं तो मानो जड़ और चैतन्य दोनों का सह अस्तित्व है, दोनों की आवश्यकताएं अलग है, पूरा होने की तरीके हैं आवश्यकता के पूरा होने का वो अलग है, दोनों की क्रियाएं अलग है, दोनों का रिस्पॉन्स करने का भी तरीका अलग है, पर दोनों में प्राथमिकता किसकी है, किसकी निरंतरता में आवश्यकता है, किसकी समय समय पर और कौन किसके लिए निर्णायक है, इन सबको भी आप अपने में एक्सप्लोर करके देखेंगे तो कल इनसे जुड़े हुए प्रश्नों पर और डिटेल और अच्छे तरीके से बात हो पाएगी। जी भैया, मेरा प्रश्न ये है कि बिना शरीर के तो सेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपने कहा है कि ह्यूमन बीइंग में सेल्फ और बॉडी दोनों होगा तभी ह्यूमन बीइंग होगा, तो बॉडी के बिना भी सेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
और इसमें एक जो सेल्फ में एक निरंतर सुख पाने की इच्छा है ना, तो वो इनेट नेचर है उसका, वो स्वभाव है। सर अगर इसके ऊपर मेरे को एक एग्जाम्पल मिल जाए तो सही रहेगा। वो एग्जाम्पल जी मिलने से मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशंस कर सकूंगी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव सुख है, सुख चाहता है वो, और निरंतर सुख चाहता है। चाहता है या वो निरंतर सुखी है, या इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर भी है कि उसका स्वभाव ही है सुख, तो ये भी इसके ऊपर भी एक पॉइंट आता है। तीनों पे अगर कुछ क्लैरिटी हो जाए विद एग्जांपल हैप्पीनेस के ऊपर, तो मैं ज्यादा जी, अच्छे तरीके से मैं भी आपके आगे एक्सप्लेन कर दूसरे सकूंगा। प्रश्न से ही चर्चा को शुरू करता हूँ, पहले पर लौट के आएंगे। तो जी आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप सुखी होना चाहती हैं कि नहीं सुखी होना चाहती हैं, क्या उत्तर आता है। फिर ये पूछ कर देखिए कि सुखी होना आप चाहती हूँ। निरंतर सुखी हो, हाँ निरंतर सुखी होना आपको स्वीकार है सहज रूप से, या कभी कभी हाँ सुखी जी, होना स्वीकार है। हाँ निरंतर सुखी होना स्वीकार, हाँ जी अगर कई साथी लोगों को इस बिल्कुल पर संदेह भी होता है कि दुख नहीं होगा तो सुख कैसे समझ में आएगा, बिना दुख के सुख का मतलब क्या है, तो वो साथी लोग इस प्रश्न को पलट के अपने से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जिंदगी में ऐसे क्षण हैं जिसमें आप दुखी होना चाहते हैं। आज दिन भर के कितने मोमेंट आप दुखी होना चाहते हैं, तो एक काउंटर तरीके से भी वो चेक होता है। तो आप पूछ के देखिए क्या उत्तर आ रहा है। किसी क्षण आप आज दिन में दुखी होने चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, या उसका नहीं, कभी उस नहीं। दिन नहीं चाहते। तो वहां से एक बात तो अपने भीतर ये दिखता है कि हम सुखी होना चाहते हैं और निरंतर सुखी होना चाहते। अब ये सुख जो है वो प्रभाव से सुनिश्चित होगा कि स्वभाव से सुनिश्चित होगा। ये जो भ्रम बस हमारा आस्वादन के बारे जो मान लिया है कि वो मैच करेगा तो हम सुखी होंगे, उससे हम देखते हैं तो पता लगता है कि एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, हारमनी में तो जा नहीं रहे उससे, है ना। और सुख हारमनी है ना। तो धीरे धीरे हम ये समझ पाते हैं, देख पाते हैं अपने भीतर कि सुख जो है वो बाहरी सोर्सेस से जो आ रहा है, तो एक्साइटमेंट जैसी एक स्थिति तो बन रही है, बट हार्मनी या कंटिन्यूटी ऑफ हार्मनी की उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, चाहे वो भाव से जुड़ा हुआ हो या आस्वादन से। लेकिन उसकी जगह जब हम अपने में ये देख पाते हैं कि हम जो भी खा रहे हैं उससे शरीर का पोषण करना सहज स्वीकार है कि शोषण करना सहज स्वीकार है, तो उत्तर मिलता है पोषण करना। अब जो भी आहार ले रहे हैं, जब भी हम पोषण के अर्थ में उसको सेलेक्ट कर पाते हैं और अपने में पोषण होता हुआ सुनिश्चित होता हुआ देख पाते हैं और ये भाव हम में बना रहता है, तो उसका अपने अंदर एक हार्मनी महसूस करते हैं, है ना। वो एक अलग ढंग की स्थिति है। तो धीरे धीरे हम अपने भीतर देख पाएंगे कि जो भी ये सहज स्वीकृत भाव है, जितना हम उसको अपने भीतर देख के सुनिश्चित करते हैं, उससे हम ये निरंतर सुख की जो चाहना है उसको पूरा कर पाते हैं। एक बात तो यह है आपके बीच बाद वाले दोनों प्रश्नों के संदर्भ। जो आपका जी पहला प्रश्न है दीदी, है ना, कि बॉडी और सेल्फ के बारे में, कि बॉडी के बिना तो सेल्फ मानव है, आपने कहा एग्जिस्ट ना, करता हाँ मानव है। सेल्फ और बॉडी दोनों है, तभी जी, वो एक तो मानव फॉर्म अभी है। उसको मैं स्टेप में कहूंगा करने को, है ना, कि आप अभी तो कम से कम इस बात को ठीक से अध्ययन करके देख लें कि हम सिर्फ बॉडी हैं या सेल्फ और बॉडी दोनों हैं। और दोनों दोनों है हैं तो दोनों की आवश्यकता को ठीक ठीक हमने पहचान लिया है कि नहीं, दोनों का आवश्यकता किस विधि से पूरा होगा ये समझ में आ गया है कि नहीं, और जिस विधि से पूरा होगा उसके लिए अपने प्रयास को शुरू कर दिया है कि नहीं, और जो प्राथमिकता है दोनों की आवश्यकता पूरा करने की वो हमने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, और उस प्राथमिकता को जीने में सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं। ये तो अभी के ये 5 स्टेप हैं। अगर ये पा रहे हैं तो आगे की योग्यता बनेगी। अब आगे की योग्यता क्या है, कि बॉडी के ऊपर सेल्फ की एक्टिविटी निर्भर कर रही है, या बिना बॉडी की एक्टिविटी के भी सेल्फ में एक्टिविटी चल रही है। तो जैसे कभी आप बैठ जाएं और जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन है, आँख कान नाक त्वचा, जितने भी आप कई बार उससे इनपुट लेते रहते हैं और आपके सेल्फ में कल्पनाशीलता उस इनपुट पे चलता रहता है, कभी आप आधा एक घंटा बैठ जाए और निर्णय ले लीजिए कि आप किसी भी सेंसरी ऑर्गन से कोई इनपुट नहीं ले, है ना, और अपने पर ध्यान जी देंगे कि अपने में क्या अच्छा, तो आप पाएंगे कुछ समय तो जो आपने पुराना इनपुट इन सेंसरी ऑर्गन से लिया था उससे रिलेटेड कुछ चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में बहुत कुछ और भी चल रहा है
जिसका शरीर के सेंसरी ऑर्गन से के इनपुट से कोई लेना देना नहीं। और जितने समय आप उस कल्पनाशीलता पर ध्यान देके देखती हैं, कई बार तो आपके शरीर के सेंसेशंस को भी आप रीड नहीं कर रहे होते हैं बिल्कुल भी, आपको ध्यान भी नहीं रहता कि शरीर है ना। तो ये धीरे धीरे इस अभ्यास को जब आप करते हैं तो ये ध्यान में जाएगा कि सेल्फ में अपने आप में एक इकाई, एक अलग तरह की इकाई है, शरीर एक अलग तरह की इकाई है और दोनों का को एग्जिस्टेंस जो है मानव है, जिसमें शरीर अपने आप में एक टेम्परेरी इकाई है जो एक निश्चित कालखंड के बाद डिकम्पोज हो जाता है, सेल्फ अपने आप में एक कंटिन्यूअस यूनिट है जिसकी आवश्यकता भी कंटिन्यूअस है, क्रिया भी कंटिन्यूअस है और होने के रूप में भी वो कंटिन्यूअस है, लेकिन उसका अध्ययन धीरे धीरे होगा स्टेप बाय स्टेप, इतना ही कहूंगा अभी। सर, पिछले अभ्यास में इतना तो समझ आया कि शरीर और बॉडी दोनों में अंतर है, तो ये चीज का अभ्यास तो अच्छा रहा। और बॉडी तो सेल्फ को तो फिर बॉडी चाहिए ही चाहिए, उसकी सेल्फ की भी एक नीड है बॉडी, तो यहाँ पर आके फिर बॉडी उसको के ठीक साथ से जब मैं देखेंगे तो ज्यादा उसको ठीक से देखेंगे दीदी, तो जब हम प्रभाव से सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं तो उस समय बॉडी बिल्कुल व्यवस्था हो जाती है हमारी सुखी होने के लिए, है ना। लेकिन ये बात ठीक है कि मानव के रूप में हम हैं तो सेल्फ और बॉडी दोनों हैं और दोनों की आवश्यकता को पहचान कर पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है ना। यहाँ से लेकिन बोतल आपको सेल्फ की मिठाई आवश्यकता देगी है, जो दोनों सेल्फ की भैया। आवश्यकता है वो बॉडी की आवश्यकताओं से पूरी हो जाएंगी, फिजिकल वस्तुओं से पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। सेल्फ की आवश्यकता को पूरा होने का जो माध्यम है वो अलग है, वो सही समझ और सही भाव की प्रक्रिया से पूरी होगी। वो कभी भी बॉडी की आवश्यकताएं जिससे पूरा हो रही हैं उससे सेल्फ की पूरा हो नहीं सकती। तो इसलिए दिखता है कि सेल्फ की आवश्यकताओं को पूरा होने का तरीका अलग है और बॉडी की आवश्यकता का पूरा होने का तरीका अलग है, और सेल्फ का होना बॉडी के होने पर निर्भर नहीं करता।